सो हे लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन टॉप 5 उन गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक सीक्वल डिजर्व करते हैं बट उनको कभी भी सीक्वल देखने को नहीं मिली। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हे गाइज, दिस इज सैम वॉकर एंड यू वॉचिंग बिग बैंजी। तो यार, जो ये लिस्ट है उसमें जो सबसे पहला गेम है वो है ला नोयर, जिसको अपन लॉस एंजलिस नोयर के नाम से भी जानते हैं। तो यार, जो ये ला नोयर गेम है उसको रिलीज किया था रॉकस्टार गेम्स ने, एक्चुअल में पब्लिश किया था इस गेम को। एंड ये एक डिटेक्टिव एक्शन एडवेंचर गेम है जिसके अंदर आप एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करने वाले हो। तो यार, जो ये गेम था ना वो 2011 के अंदर आया था एंड ये सेट था 1947 में। बट यार देखो, अनफॉर्चुनेटली 2011 के बाद इस गेम के बारे में अपने को कोई भी चर्चा देखने को नहीं मिली कि कोई इसकी सीक्वल वगैरह ये आएगी भी या नहीं। बट यार देखो, ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि इस गेम के एक सीक्वल आनी चाहिए, क्योंकि यार जो ये गेम था ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इसका जो गेम प्ले था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड अगर आपको नहीं पता तो ये एक ओपन वर्ल्ड गेम था जिसके अंदर आप कार वगैरह ये भी ड्राइव कर पाओगे। एंड यार ये कार वगैरह तो रॉकस्टार गेम्स के मतलब जो भी गेम्स आते हैं उनके अंदर नॉर्मल है, बट सही में ये बहुत ही बढ़िया गेम था एंड ये डिजर्व करता है एक सीक्वल, जो कि अपने को पता नहीं कब आने वाली है या नहीं आने वाली। बट आई एम प्रिटी श्योर कि एक दिन या तो इसका रीमेक या इसकी सीक्वल अपने को देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि यार ये गेम डिजर्व करता है एक सीक्वल। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट मैं तो चाहता हूँ कि इसके एक सीक्वल आनी चाहिए। आप क्या चाहते हो? अगर आपने कभी ये गेम खेला है तो आप भी चाहते हो इसकी एक सीक्वल आनी चाहिए, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो यार, हम मूव करते हैं अपने सेकंड गेम की तरफ। तो यार इस लिस्ट में जो सेकंड गेम है वो है फ्रीडम फाइटर्स। तो यार जो फ्रीडम फाइटर्स गेम है वो 2003 के अंदर आया था एंड इसको पब्लिश किया था इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने, जिसको अपन ईए गेम्स के नाम से भी जानते हैं। तो यार जो फ्रीडम फाइटर्स है ना वो एक थर्ड पर्सन शूटर गेम है जिसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो सोवियत यूनियन है ना वो न्यूयॉर्क सिटी को ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब उसके ऊपर हमला करके उसको अपने कब्जे में कर लेता है। तो यार जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट होता है ना क्रिस्टोफर स्टोन, वो एक फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले करता है इस गेम के अंदर। मतलब जो इन्वेडर्स होते हैं ना उनके अगेंस्ट एक बैटल शुरू कर देते हैं ये लोग। तो हाँ, ऐसे कुछ इसकी स्टोरी है। ये बहुत ही पुराना गेम है, मैंने भी बहुत ही पहले खेला था, बट यार ये गेम है ना वो एक सीक्वल डिजर्व करता है। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक सीक्वल आए या कुछ रीमेक वगैरह कुछ भी बना दे, क्योंकि यार ये गेम उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। अगर आपने होम फ्रंट रिवोल्यूशन खेला है ना तो वैसा कुछ ही ये गेम है। तो यार इस गेम को आप एक बार जरूर से ट्राई करना एंड मैं चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स है या जो आईओ इंटरेक्टिव है, जो कोई भी है, उसके एक सीक्वल लेके आए, क्योंकि यार आज के टाइम में ऐसे गेम्स बहुत कम है जिनके अंदर अपन एक फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले करें एंड ये सब कुछ। तो ऐसा होना चाहिए कि इस गेम का एक सीक्वल आना चाहिए या इस गेम का रीमेक बनना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, बट सीरियसली ये गेम सीक्वल डिजर्व करता है। तो चलो यार, अब मूव करते हैं अपने थर्ड गेम की तरफ। तो यार इस लिस्ट में जो थर्ड गेम है वो है टोटल ओवरडोज। देखो यार, जब भी टोटल ओवरडोज के बारे में बात आती है तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यार टोटल ओवरडोज को मोस्टली हर किसी ने खेला है एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम था अपने चाइल्डहुड के टाइम में। तो यार जो टोटल ओवरडोज गेम था ना उसके अंदर एक गन स्लिंगर की कहानी बताई गई है जो कि मैक्सिको के अंदर सेट थी। एंड इस गेम का जो प्लॉट वगैरह ये था वो तो आपने देखा ही होगा अगर आपने खेला होगा तो। बट जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना इस गेम के बारे में वो ये थी, इस गेम में जो एक्शन दिखाया गया था ना वो, इसका जो एक्शन था ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था यार। मतलब उड़ उड़ के मारना, ऐसे उल्टे सीधे मूव बना बना के। तो यार देखो, ये जो गेम था ना उसका वैसे तो एक सीक्वल आने में था बट वो कैंसिल हो गया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले एंड उस पर बहुत सारे व्यूज़ भी आए थे, तो आप देख लेना। लेकिन जो ये गेम था ना उसकी जो सीक्वल थी ना वो कैंसिल कर दी गई थी कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस गेम की एक सीक्वल आए। वैसे तो नहीं आएगी मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि इस गेम की एक सीक्वल आए, क्योंकि यार मुझे लगता है कि अगर इस गेम की सीक्वल आती है ना तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा चल जाएगी, क्योंकि यार जो ये गेम है ना वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था एंड मतलब इसकी जो सेटिंग वगैरह ये थी ना वो भी बहुत ही अलग थी, क्योंकि यार ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई ओपन वर्ल्ड गेम अमेरिका के बाहर सेट हो। तो ये एक यूनिक गेम था मेरी नज़र में एंड मैं चाहता हूँ इसकी भी एक सीक्वल आनी चाहिए, बट देखते हैं आगे क्या होता है, सीक्वल आती है या नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि आएगी, बट इसका जो एक रीमेक है वो तो ज़रूरी आएगा मेरे को जहाँ तक लगता है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी इसका एक रीमेक तो अपने को देखने को मिलेगा ही। तो चलो यार, अब मूव करते हैं इस लिस्ट के थर्ड गेम की तरफ। तो यार इस लिस्ट में जो थर्ड गेम है वो है इनस्लेव्ड ओडिसी टू द वेस्ट। देखो यार, मैं जानता हूँ कि कई लोगों ने इस गेम का नाम भी नहीं सुना एंड मेरी नज़र में मानो तो ये एक हिडन जेम है। अगर आपने इस गेम को नहीं खेला तो एक बार इसको जरूर
जरूर से ट्राई करना, क्योंकि यार जो ये गेम है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। देखो अपन ने फ्यूचरिस्टिक गेम्स बहुत सारे देखे हैं, लेकिन जो ये गेम है ना भाई वो बहुत ही अलग है। इसके अंदर अपन एक मंकी किंग का रोल प्ले करने वाले हैं। मंकी किंग तो क्या ही यार, ये एक ह्यूमन है लेकिन थोड़ा मंकी टाइप का इसका लुक है, इसलिए मैं इसको मंकी किंग बोल रहा हूँ। इसके अंदर अपने को वॉर मशीन्स होती है ना, जो रोबोटिक वॉर मशीन वगैरह, इनसे फाइट करनी पड़ेगी। एक ग्लोबल वॉर होता है जिसके अंदर मतलब ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, बस कुछ इक्के दुक्के लोग ही बचते हैं। इक्के दुक्के तो क्या ही, मतलब कुछ बच जाते होंगे 1000-2000, तो हाँ बस थोड़े बहुत ही लोग बचते हैं। एंड इनका सामना होता है जो भी ये मशीन वगैरह ये होती है ना जो बच गई थी वॉर के अंदर उनसे। तो यार देखो कहने में तो गेम बहुत ही ज़्यादा शानदार था एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मैंने ये गेम बहुत ही पहले खेला था, लेकिन यार कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन यार सही में मैं बता रहा हूँ, या तो ये गेम एक रीमेक डिजर्व करता है, ये एक सीक्वल आनी चाहिए इसकी। सीक्वल तो इसकी 100% आनी चाहिए, क्योंकि यार इसके अंदर जो स्टोरी थी ना वो बहुत ही आगे तक बढ़ाई जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस गेम के एक सीक्वल आनी चाहिए, वो भी आज के ग्राफिक्स के अंदर। बट यार देखते हैं कि इसकी सीक्वल आती है या नहीं। मुझे तो लगता है कि लोग इस गेम को भूल भी गए होंगे या किसी ने तो खेला ही नहीं होगा, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बट ये गेम सही में एक सीक्वल डिजर्व करता है, लेकिन इसको सीक्वल अभी तक तो मिली नहीं। देखते हैं यार आगे क्या होता है। बट अपन तो मूव करते हैं अपने फाइनल गेम की तरफ। तो यार इस लिस्ट का जो फाइनल गेम है वो है मेटल गियर्स राइजिंग। तो यार अगर आपने मेटल गियर्स राइजिंग के बारे में नहीं सुना तो आपने एक बहुत ही तगड़ा गेम मिस कर दिया। देखो यार अपन जानते हैं कि जो मेटल गियर्स फ्रेंचाइजी है उसके अंदर अपने को रियलिस्टिक चीज़ें देखने को मिलती थी, रियलिस्टिक के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें भी देखने को मिलती थी। लेकिन जो मेटल गियर्स राइजिंग है ना भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो गया था। इसके अंदर अपन एक साइबोर्ग का रोल प्ले करने वाले हैं एंड जो ये गेम है ना वो फ्यूचर के अंदर सेट है। बट यार जो इस गेम का गेम प्ले, कॉम्बैक्ट एंड जो स्टोरी लाइन थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मैंने ये गेम 2013 के अंदर खेला था, जब मेरे पास मतलब GT 610 ऐसे कुछ ग्राफिक कार्ड था, शायद GT 610 ही था। तो मैंने इस गेम को मैक्स सेटिंग में खेला था 720p पे, एंड भाई मैं इतना ज़्यादा भुखला गया था ना, मतलब क्या ही गेम बनाया था इन लोगों ने। हाँ थोड़ा जो मेटल गियर्स फ्रेंचाइजी थी उससे थोड़ा मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शन में गेम था, बट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा गेम था। मतलब यार इसके अंदर जो रोबोट्स वगैरह इनको मारते थे अपन, बड़े बड़े जाइंट रोबोट्स मशीन्स को, एंड जो मतलब और भी एनिमीज होते थे उनको मारते थे, भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था मेरे को तो। एंड भाई मैं प्लान बना रहा हूँ कि इस गेम को मैं वापस से खरीद के खेलूँ। अब उस टाइम तो मैंने पायरेट किया था, लेकिन अब मैं इसको खरीद के खेलूँगा अभी कुछ दिन बाद, जब भी सेल में आएगा ये तब, एंड इसके ऊपर मैं वीडियोस भी बनाऊंगा। तो यार जो ये गेम है ना वो सच में एक सीक्वल डिजर्व करता है, एंड अगर आप लोगों ने खेला होगा तो आप लोगों को भी इतना लगेगा कि हाँ यार ये गेम सही में डिजर्व करता है एक सीक्वल। बट यार मुझे लगता नहीं कि नियर फ्यूचर में तो अपने को कभी इसकी सीक्वल वगैरह ये देखने को मिलेगी, लेकिन आने वाले टाइम में अपने को इसका या तो रिमास्टर्ड या इसकी सीक्वल वगैरह देखने को मिल सकती है। खैर यार ये सब चीज़ें डिपेंड करती है डेवलपर्स एंड पब्लिशर्स के ऊपर कि वो क्या चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं या नहीं, तो अपन इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी आपको ये लिस्ट कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड जो टॉप 5 का वीक था वो कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।